गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पार्ट 1। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज अ स्मॉलर नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉलर नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। For example, on dividing 86 by 2, the remainder is 0. So, 2 is a factor of 86. Also, the quotient obtained is 43. So, 43 is also a factor of 86. 86 को जब 2 से divide करते हैं, तो quotient 43 आता है, remainder 0 आता है. इसका मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 86 एंड 43 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 86। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल ऑफ ए नंबर इक्वल टू द नंबर इनटू एनी काउंटिंग नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर को किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है। जैसे 5 का मल्टीपल 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 होता है, 5 का मल्टीपल 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है, 5 का मल्टीपल 5 भी हुआ 10 हुआ, तो 5 को क्या किए? काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 खुद आया मल्टीपल 5 का, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5 का सेकंड मल्टीपल 10 हो गया। उसी ढंग से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मल्टीपल 5 का हो जाएगा 15। तो इस तरीके से मल्टीपल इक्वल टू नंबर इंटू एनी काउंटिंग नंबर। For example, the multiples of 9 are 9 into 1 equal to 9, 9 into 2 equal to 18, 9 into 3 equal to 27 and so on. ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए properties of factors and properties of multiples. Factors और multiples के properties क्या क्या हैं? देखिए number 1, the smallest factor of every number is 1. किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है। फैक्टर मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, तो फैक्टर हमेशा छोटा होता है नंबर से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सारा नंबर आता है। सेकंड, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। हर नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है और ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। जैसे 4 का देखिए फैक्टर 1, 2 और 4 होता है। 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है, 1 4 का भी फैक्टर और 4 भी 4 का फैक्टर है। 6 का फैक्टर है 1, 2, 3 और 6, क्योंकि 6 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। तो लार्जेस्ट फैक्टर क्या हुआ 6 का स्टूडेंट? 6 हुआ। तो एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। नंबर खुद जो क्या होता है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। अ नंबर कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे 6 का कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर्स है, 1, 2, 3, 4। 4 का कितना फैक्टर है? 1, 2, 3। 3 फैक्टर है, लिमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है पार्ट, क्योंकि नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है फैक्टर। तो फैक्टर्स लिमिटेड होता है और फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। जैसे 4 का फैक्टर 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। 6 का फैक्टर 6 से छोटा है, 1, 2, 3, 6 से छोटा या 6 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। जैसे 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5 ही होगा, उसके बाद 10, 15 होता है। उसी ढंग से 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 ही होगा, उसके बाद 12, 18 और जो भी है। मल्टीपल्स अनलिमिटेड होता है, नंबर हैज अनलिमिटेड मल्टीपल्स, इसका कोई अंत नहीं होता है, लिमिट नहीं होता है। और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो हर नंबर आ जाता है स्टूडेंट्स।
तो 5 भी 1 का मल्टीपल है, 10 भी 1 का मल्टीपल है, 100 भी 1 का मल्टीपल है। हर नंबर जो है 1 का मल्टीपल होता है। द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल्स क्या होता है किसी भी नंबर का, या तो नंबर से बड़ा होगा या नंबर के बराबर होगा। मल्टीपल छोटा नहीं हो सकता है, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट, बड़ा नंबर आता है। जैसे 5 का मल्टीपल 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है। 5, 10, 15, 100 ये सब 5 का मल्टीपल्स है। और एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डैट नंबर। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो हर मल्टीपल उस नंबर से डिविजिबल होता है। 5 का मल्टीपल है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही। जैसे 45 का मल्टीपल है तो 45 से डिविजिबल है, 5 8 40। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गया मल्टीपल का। अब देखिए नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। चैप्टर 1 के वीडियोस में खुद से दिए थे हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में, फिर से एक बार देख लीजिए। प्राइम नंबर्स क्या होता है, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट सेल्फ। प्राइम नंबर का केवल 2 ही फैक्टर्स होता है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। ये 1 और 2 के टेबल में आता है, 3 भी 1 और 3 के टेबल में आता है, 5 भी 1 और 5 के टेबल में आता है, 7 भी 1 और 7 के टेबल में आता है। केवल 2 फैक्टर्स होता है प्राइम नंबर का, और वो फैक्टर कौन कौन होता है, 1 और नंबर खुद होता है। 1 हर नंबर का फैक्टर है अभी पढ़े, और नंबर खुद भी खुद का फैक्टर होता है। तो जिस नंबर का केवल 2 ही फैक्टर्स होता है, 1 और खुद, वही प्राइम नंबर होता है। इट कैनॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ। वो 1 और खुद के अलावे और किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब लिस्ट दिए थे स्टूडेंट्स 1 से 50 तक के प्राइम नंबर का, और बताए थे भी कि 100 तक का प्राइम नंबर आप लिखिएगा। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब 1 क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर भी नहीं है। देखिए प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है बताए थे। और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है क्योंकि कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, तो 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर होगा, तो इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ये बताए थे। और इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई इट्स फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है। जैसे देखिए 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अब 4 क्या है, 1 से और 4 से तो डिविजिबल है, इसका फैक्टर एक 2 भी है, तो 2 से भी डिविजिबल है, 2 2 जा 4, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। मतलब 1 और इट सेल्फ के अलावे किसी और नंबर से अगर कोई डिविजिबल होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होगा तो उसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएगा। 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितना भी फैक्टर्स हो सकता है। 6 का देखिए 1, 2, 3 और 6 4 फैक्टर्स है। 8 का 1, 2, 4 और 8 4 फैक्टर्स है। 9 का 1, 3 और 9 3 फैक्टर्स है, तो सब कंपोजिट नंबर है। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा स्टूडेंट्स, 1 को छोड़ करके। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। जैसे 2 × 3 = क्या होता है स्टूडेंट, 6, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को हम 1 × 6 भी लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स, 6 को हम 1 × 6 भी लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 भी लिख सकते हैं, 6 को 6 × 1 भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन कहलाता है, है ना, ये सब नंबर का फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 8 का लिखना है तो 8 = हम 1 × 8 भी लिख सकते हैं, 2 × 4 भी लिख सकते हैं, 8 को 2 × 4 = 8, और 8 को हम 8 × 1 भी लिख सकते हैं। तो ये सब फैक्टराइजेशन हुआ। अब इसी में होता है एक और प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, राइटिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स डेट आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे किसी भी नंबर को स्टूडेंट्स, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे 6 का देखिए
फैक्टराइजेशन तो ये सब लिखे थे, लेकिन 2 × 3 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। उसी से 8 = 2 × 2 × 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि 2 × 2 = 4, 2 × 8, लेकिन तीनों फैक्टर्स इसका प्राइम है, 2 प्राइम नंबर है। 12 = 2 × 2 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, क्योंकि इसमें कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, वो नंबर, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब ये देखिए फैक्टर ट्री मेथड है, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है, तो देखिए फैक्टर ट्री मेथड से कैसे किए हैं। 120 यहाँ लिखे हैं, 120 का 2 फैक्टर्स लेना है, तो 2 × 60 ये 120 होता है, यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर लिए हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो एक नंबर हमको प्राइम लेना है, अब 2 एक लिए तो दूसरा नंबर क्या होगा, 60 ही होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 120 को तो 60 आएगा। अब देखिए यहाँ 60 फिर कंपोजिट नंबर है, तो 60 से एक प्राइम नंबर निकालेंगे 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल है 60, कितना टाइम्स में, 30 टाइम्स में, 2 × 30 = 60। तो अब फिर 30 एक प्राइम नंबर आ गया, नहीं कंपोजिट नंबर आ गया सॉरी, तो 30 से अब एक प्राइम नंबर निकालेंगे 3। 30 हालांकि 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी यहाँ 2 भी लिख सकते थे, 2 × 15 30 लिख सकते थे, लेकिन मान लीजिए कहाँ कि 30 के बदले 3 लिखे और 10 लिखे, 30 = 3 × 10 30 होता है। अब फिर 10 देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 × 5 = 10 2 × 5 लिख सकते हैं 10। तो यहाँ भी यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, चाहे यहाँ 3 से यहाँ 2 से, बात बराबर है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक आएगा, देखिए 120 = क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया स्टूडेंट। देखिए सारा फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर्स है, 2, 2, 3, 5, ये सब प्राइम नंबर है। दूसरा तरीका है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, ये मेथड डिवीजन मेथड, सेम चीज़ है। जैसे देखिए 120 को पहले 2 से डिवाइड किए तो 60 आया, फिर 60 को 2 से डिवाइड किए, 2 प्राइम नंबर है और 2 से डिविजिबल है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम पहले लिखते हैं, कोशिश करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने का। तो 60 को 2 से डिवाइड किए तो 30 आया, अब देखिए 30 को 2 से डिवाइड किए तो 15 आया, अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, 3 × 5 = 15, एंड 15 को 5 से डिवाइड किए तो 5 × 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें भी देखिए क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, सेम आया स्टूडेंट्स। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड है। अब इसी ढंग से देखिए, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आप कर सकते हैं 46 का फैक्टर्स लिख सकते हैं, इस मेथड से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स 46 का फैक्टर, आप निकाल के देखिएगा। देखिए ऐसे 46 यहाँ लिखे, यहाँ 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 46 इवन है, जान रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड किए तो कितना आया, 23। अब 23 किससे डिविजिबल होता है, किसी से नहीं, 3, 4, 5, 7, 11 कोई भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 23 खुद प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, 23 = 23। तो 46 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 × 23, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम केवल प्राइम नंबर्स लिखते हैं, हालांकि यहाँ पर फैक्टर्स लिखना था स्टूडेंट्स, तो फैक्टर्स में सारा फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स केवल नहीं लिखते हैं। हाँ है, राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, तो फैक्टर्स जब लिखना रहेगा तो 46 किसके किसके टेबल में आता है उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स। 46 जैसे किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 23 के टेबल में आता है और 46 के टेबल में आता है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 1, 2, 23 और 46, ये नहीं लिखिएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बताया स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर लिखना है फैक्टर्स, 46 का सारा फैक्टर्स लिखना है तो ये होगा। अब 85 का सारा फैक्टर लिखना है तो किसके किसके टेबल में 85 आता है वो लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 कितना टाइम्स में 85 आता है, तो 17 टाइम्स में, तो ये 17 से भी डिविजिबल होगा और 85 से डिविजिबल होगा, तो ये 85 का फैक्टर्स हो गया 1, 5, 17 और 85।
5। इस तरीके से आप 124 का 280 का फैक्टर्स लिखिएगा स्टूडेंट्स। उसी ढंग से देखिए, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 और 50। फर्स्ट वाला वीडियो में 1 से 50 तक का हम एग्जांपल में लिख के दिखाए थे, अब ऐसे ही लिखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब लिख सकते हैं। उसी ढंग से देखिए स्टूडेंट्स, ए फिल इन द ब्लैंक्स है, द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 16 आर, 16 का मल्टीपल लिखना है, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द नंबर विच आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट आर, द नंबर्स विच आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट आर डैश एंड डैश, क्या क्या है स्टूडेंट्स, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 0 भी प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है 2, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 किसके किसके टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो इस तरीके से ये फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया स्टूडेंट्स। उसी ढंग से अब आप समझे, इसलिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड इनसर्कल द कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर कीजिएगा, 20 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखिएगा, तो 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 20 मल्टीपल्स लास्ट वाला होगा, फर्स्ट हो गया 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, इस ढंग से लास्ट वाला होगा 220 जा 40, तो ये सारा मल्टीपल्स आप लिखिएगा। 10 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखना है, तो 8 होगा पहला मल्टीपल, 8 टू जा 16, और 10th मल्टीपल 80 होगा स्टूडेंट, है ना। 10 मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखना है, तो 12 तो पहला हो गया, 12 टू जा 24, लास्ट वाला होगा 12 10 जा 120, 10 मल्टीपल्स लिखना है, तो लास्ट वाला 12 10 जा 120 होगा स्टूडेंट्स। अब इसमें से आप उसके बाद ये फाइंड कीजिए कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 8, उसमें वो नंबर को छांटिएगा जो कि 2 और 8 दोनों का मल्टीपल 8 है, मल्टीपल है ना, जो 2 के भी मल्टीपल में आया और 8 के भी मल्टीपल में आया वो कॉमन मल्टीपल होगा स्टूडेंट्स। जैसे उसमें पहला कॉमन मल्टीपल आएगा 8, फिर आएगा आपका 16, 24, ये सब आएगा, 32 आएगा, जितना लिखिएगा उसके अकॉर्डिंग। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 12 जो आएगा स्टूडेंट्स, तो 2 और 12 का कॉमन मल्टीपल आपका आएगा 12, 24, 36, ये सब आएगा। कॉमन मल्टीपल जो मतलब दोनों का मल्टीपल है, 8 और 12, जो 8 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, तो ये जो आएगा वो लिखिएगा, पहला जैसे आएगा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, तो 8 और 12 दोनों का मल्टीपल है 24 स्टूडेंट्स। दूसरा आएगा 48, तीसरा आएगा 72, इस तरीके से आप लिखिएगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 8 एंड 12, जो 2 का भी मल्टीपल है, 8 का भी और 12 का भी, ये भी लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 24 ही होगा पहला, क्योंकि 12 2 जा 24 और 8 3 जा 24, 2 12 जा 24, दूसरा 48 होगा और तीसरा 72 होगा, 24 के टेबल में जितना भी आएगा सब कॉमन मल्टीपल्स आएगा, ठीक है। तो उसी ढंग से राइट द 6th और 9th मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आप लिख लीजिएगा 6th मल्टीपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 × 6, 14 6 जा 84 हो गया 14 का 6th मल्टीपल, और 9th मल्टीपल 14 9 जा 126। उसी ढंग से 17 का भी 6th मल्टीपल लिखना, तो 17 6 जा लिखेंगे स्टूडेंट्स और 17 9 जा लिखेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, डिविलिटी रूल के बारे में उसमें बताएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर भी कीजिए, ताकि सभी साथी जो है आपके इस वीडियो से सीख सकें, क्योंकि ये वीडियो टोटली फ्री है। धन्यवाद।